अपना जो टॉपिक चल रहा था कांग्रेस लिंग योजना, उस कांग्रेस लिंग योजना के अंतर्गत उनके इस योजना में जो क्या क्या दोष रहे हैं, आज हम उन दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट, तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट आदि कांग्रेस नेताओं ने इस समझौते को अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर बड़ी प्रशंसा की है। तिलक ने अपने विचार समाचार पत्र केसरी में इस समझौते के बारे में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम एकता के दृष्टिकोण से 29 फरवरी 1916 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने योग्य है, क्योंकि इसमें कांग्रेस और लीग की संवैधानिक योजना संबंधी महत्वपूर्ण समझौता है। प्रोफेसर के प्रून के अनुसार लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रवाद की महान सफलता थी, परंतु व्यवहारिक रूप में यह संवैधानिक योजना अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई। इस योजना में अनेक महत्वपूर्ण दोष थे। नंबर एक, इस योजना में सबसे बड़ा दोष यही था कि कांग्रेस मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को स्वीकार कर रही है। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को स्वीकार कर लिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है इसके बारे में, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के बारे में लिखा है, यह 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में उस पाकिस्तान की नींव रखी, इस सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली ने उस पाकिस्तान की नींव रखी जो 30 वर्ष बाद महत्वपूर्ण है, जो 30 वर्ष बाद दृष्टिकोण दृष्टि गोचर हुई थी। यानी कि जो डॉक्टर प्रसाद ने लिखा है कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली से उस पाकिस्तान के लिए वकील जो 30 वर्ष बाद दृष्टि गोचर हुई। दूसरा है, कांग्रेस का यह मानना था कि लखनऊ समझौता में दी गई रियासतों से मुस्लिम लीग संतुष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुस्लिम लीग।
संतुष्ट हो जाएगा। यानी कि जो इसके अंतर्गत जो दिया गया है उससे क्या होगा, यानी कि लखनऊ समझौते से जो सिफारिश थी उससे मुस्लिम लीग संतुष्ट हो जाएगी। परंतु यह क्या, परंतु यह ख्याली खराब सिद्ध हुआ। इस समझौते के बाद भी लीग ने गवर्नर जनरल तथा बाहर के मंत्रियों से अपने संप्रदाय के लिए अधिक संवैधानिक मांग की और इस बात की पुष्टि मांडफोर्ड रिपोर्ट से होती है। मांडफोर्ड रिपोर्ट से यानी जो इसकी मांग किससे सिद्ध होती है, मांडफोर्ड रिपोर्ट से सिद्ध होती है। तीसरा है, ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने इसे स्वीकार करने के लिए यह तर्क दिया कि मुसलमानों को आवश्यकता से अधिक रियासत दी, यानी कि आवश्यकता से अधिक रियासत दी। आवश्यकता से अधिक रियासत दी, आवश्यकता से अधिक रियासत दी। यही कारण है कि 1919 के अधिनियम, यही कारण है कि 1919 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार इस समझौते की मांगों का घोर विरोध किया, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते की मांगों का घोर विरोध किया। और चौथा दोष, इसका चौथा दोष क्या था, इस योजना का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें उत्तरदायी सरकार की कहीं भी मांग नहीं थी। उत्तरदायी सरकार की कहीं पर मांग नहीं की गई, इसमें उत्तरदायी सरकार की कहीं पर भी मांग नहीं की गई। इसके बाद उसका मूल्यांकन, इस समझौते के दोषों को होते हुए भी यह अपने एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कि गैरेट ने लिखा है, गैरेट ने लिखा है कि क्या लिखा है गैरेट ने, परिणामों की या परिणामों का किंचित मात्र में विचार न करते हुए कांग्रेस ने यह कार्य किया। गुरुमुख निहाल सिंह के अनुसार, गुरुमुख निहाल सिंह के अनुसार भारत की दो बड़ी जातियों ने और दो बड़ी राजनीतिक संस्थाओं ने एक ही कार्यक्रम को अपनाया। गुरुमुख न्याय जी ने क्या लिखा है, दो बड़ी जातियों ने, दो बड़ी राजनीतिक संस्थाओं ने एक ही कार्यक्रम को अपनाया।
लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता की दशा में महत्वपूर्ण एक अगला कदम था, लेकिन गांधी जी ने कहा वह शिक्षित और धनी हिंदुओं, शिक्षित गांधी जी ने क्या कहा, शिक्षित व धनी हिंदुओं तथा शिक्षित और धनी मुसलमानों के बीच एक समझौता था। शिक्षित धनी तथा शिक्षित और धनी मुसलमानों के बीच एक समझौता था 1920 में। असहयोग के काल को हिंदू मुस्लिम सहयोग का सर्वोत्कर्ष कहा जाता है। 1919 और 20 असहयोग सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत के इतिहास का सुनहरा लिखा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत के इतिहास का सुनहरा लिखा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत के इतिहास का सुनहरा दिन कहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस लिंग योजना कांग्रेस की भयंकर भूल थी। इसमें एक भूल यह भी थी, आर सी मजूमदार के अनुसार पाकिस्तान की नींव रखी जो 30 वर्ष बाद दृष्टिगोचर हुई, जो 30 वर्ष बाद दृष्टिगोचर हुई, उस पाकिस्तान की नींव रखी। और पाकिस्तान शब्द का उल्लेख करने वाला सबसे पहले रहमत अली था। रहमत अली यानी कि पाकिस्तान शब्द देने वाला चौधरी रहमत अली था। प्रोफेसर पीके चड्ढा के शब्दों में कांग्रेस लिंग समझौता एक ऐसी कड़वी बोली थी, कांग्रेस लिंग समझौता एक ऐसी कड़वी बोली थी जिसने कांग्रेस के जीवन भर के सिद्धांतों राष्ट्रीयता प्रजातंत्र और धर्म का निरपेक्ष को निगल गया, निगल लिया। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस लिंग योजना का जो दोष थे उनका जो मूल्यांकन था उसके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया। अगले टॉपिक के अंतर्गत अगला जो टॉपिक शुरू होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे।